हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर दो, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वे किसके बीच थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमींदार। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर पाँच, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत की रैयत बाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर छः, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर सात, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर आठ, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। क्वेश्चन नंबर नौ, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर दस, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम केवा बागान लगाए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायनाड जनपद में। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के। क्वेश्चन नंबर 13, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैयत बाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई और थाने। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1913 में। धन्यवाद दोस्तों।